So, a very good morning to all my students who are currently watching this video. So, this is crop production and management. ये standard 8th का एक chapter है biology का. तो आज हम discussion को जारी रखेंगे इसी chapter का. सो फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. सो ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ये चैप्टर पढ़ने के पीछे हमारी मोटिवेशन क्या है. ये चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे क्रॉप क्या होता है, उसके बाद प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन रेट को हम कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन रेट को कैसे बढ़ाएंगे, और उसके बाद प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के कॉजेस क्या हैं, प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने के पीछे कॉजेस क्या हैं, कॉजेस ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब बढ़ाने के पीछे हमारे कॉजेस क्या हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं क्रॉप से. तो ये क्रॉप का मतलब क्या होता है. क्रॉप का मतलब होता है प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन अ लार्ज अमाउंट इन ए पर्टिकुलर एरिया. प्लांट्स ग्रोन इन ए लार्ज एरिया, ए पर्टिकुलर प्लांट. कोई एक प्लांट होगा जिसको हम एक बड़े से एरिया में ढेर सारा उगाएं, दैट इज कॉल्ड क्रॉप. उसे ही हम बोलेंगे क्रॉप. जो प्लांट को हम कोई एरिया में सबसे ज्यादा उगाते हैं उसे ही हम बोलेंगे क्रॉप. सो क्रॉप कई तरह के भी हो सकते हैं. हमारे जो सीरियल्स होते हैं वो भी क्रॉप्स हैं. जो वेजिटेबल्स होते हैं वो भी क्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वेजिटेबल को तो हम बहुत ही ज्यादा उगाते हैं. और जो फ्रूट वगैरह होते हैं वो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं. सीरियल में आता है हमारा पैडी, उसके बाद मेज, और वेजिटेबल में आता है ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो एटसेट्रा, और फ्रूट में आता है एप्पल, ऑरेंजेस एटसेट्रा. तो ये सब होते हैं क्रॉप्स. ठीक है. सो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे क्रॉप्स एंड क्लाइमेट. सो जैसे कि हमने पिछले पेज में डिस्कस किया था क्रॉप्स डिफरेंट तरह का होता है. तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप होता है वो डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर. ठीक है. क्लाइमेट का मतलब होता है कि जो हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट, एनवायरमेंट का जो कंडीशन होता है. तो क्रॉप उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया. कोई क्रॉप टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और कोई क्रॉप रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कोई कोई क्रॉप भी ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सब क्लाइमेटिकल कंडीशन को आधार में रखते हुए हमारे भारत में भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्रॉप. जो क्रॉप होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है रबी क्रॉप और दूसरा होता है खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप हम किसको बोलेंगे, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन. जो क्रॉप को हम विंटर सीजन में लगाएं उसे हम बोलेंगे रबी क्रॉप. और उसके एग्जांपल्स हैं व्हीट, ग्राम और पी, ये कुछ. और खरीफ क्रॉप हम किसको बोलेंगे, क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन. जो क्रॉप को हम रेनी सीजन में लगाएं उसे हम बोलेंगे खरीफ क्रॉप.
और उसके एग्जाम्पल पैडी हो गया, मेज हो गया। रबी क्रॉप हम लगाते हैं अक्टूबर में और हार्वेस्टिंग हो जाता है मार्च तक, हार्वेस्ट हम कर देते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कटाई। और खरीफ क्रॉप को हम लगाते हैं जून में और इसकी जो कटाई होती है वो तकरीबन जून से सितंबर के बीच में हम इसे लगाते हैं और इसकी कटाई तकरीबन नवंबर दिसंबर तक शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ होता है जो टाइप्स ऑफ क्रॉप होते हैं, ये कुछ रबी और खरीफ ऐसे कुछ होता है। ठीक है।